हेलो एवरीवन, आज हम पालक और मटर का अमेजिंग सा स्नैक बनाएंगे जो हेल्दी तो होगा ही लेकिन टेस्ट में बेस्ट होगा। तो आज मैं लेकर आई हूँ हरा भरा कबाब की रेसिपी। चलिए इस अमेजिंग सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो हरा भरा कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम पालक को ब्लांच करेंगे। पानी मैंने देखिए पहले गर्म होने रख दिया था, जो अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें डाल दीजिए पालक, साथ में मटर भी डाल दीजिए ताकि ये भी साथ में ब्लांच हो जाए। इसके साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और चीनी। चीनी से पालक का कलर जो होता है वो मेंटेन रहता है। इन्हें हम यहाँ पर 1.5 से 2 मिनट के लिए उबालेंगे। अब यहाँ पर देखिए पालक उबल चुका है, तो इसे निकाल कर ठंडे पानी में डाल दीजिए ताकि इसकी कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए। सेम ऐसे ही हम मटर भी निकाल कर ठंडे पानी में डाल देंगे। अब क्या करेंगे, पालक को हम देखिए इस तरह निचोड़कर इनका सारा पानी निकाल लेंगे। तो चलिए अभी इन्हें पीसते हैं। मैं इन्हें देखिए चॉपर में पीस रही हूँ, आप इन्हें मिक्सर जार में भी पीस सकते हैं, पर इनका हमें देखिए पेस्ट नहीं बनाना है। हल्का सा इन्हें हम दरदरा रखेंगे। अब रखते हैं गैस पर कढ़ाई, इसमें डाल दीजिए तेल, गर्म कर लीजिए इसे अच्छे से। ऐड कर दीजिए इसमें जीरा, कटा हुआ लहसुन और अदरक। इन्हें हम यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए सॉटे करेंगे। अब डाल दीजिए इसमें शिमला मिर्च और गाजर। गाजर को मैंने यहाँ पर देखिए ग्रेट करके डाला है। इन्हें हम यहाँ पर 1 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर पका लेंगे ताकि हमारी सब्जियाँ जो है वो अच्छे से पक जाए। अब यहाँ पर देखिए सब्जियाँ जो है वो पक चुकी हैं। ऐड कर दीजिए इसमें पालक मटर का पेस्ट और हरी मिर्च। इन्हें हम देखिए यहाँ पर तब तक पकाएंगे जब तक सारे मिक्सर का पानी जो है वो अच्छे से सूख ना जाए। इस मिक्सर को यहाँ पर फुल फ्लेम पर पकने दीजिए। अब ये देखिए सारा मिक्सर ड्राई हो चुका है। इसे बड़े मिक्सिंग बॉल में डाल दीजिए और कम्प्लीटली ठंडा कर लीजिए। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक चलिए फटाफट से कबाब के साथ सर्व करने के लिए चटनी बना लेते हैं। मिक्सर जार में डाल दीजिए फ्रेश हरा धनिया, पुदीना, 2 से 3 लहसुन की कलियाँ, अदरक, हरी मिर्च, नींबू का रस, जीरा और ये नमक। आइस क्यूब्स डालकर इनको बढ़िया से पीस लीजिए। ये हमारी देखिए हरी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, पर मार्केट में देखिए कबाब के साथ दही वाली चटनी सर्व की जाती है, तो हम भी वही बनाएंगे। बॉल में डाल दीजिए 1/2 कप दही, इसे फेंट कर स्मूथ कर लीजिए। अब इसमें डाल दीजिए 4 से 5 टेबल स्पून चटनी के, अच्छे से इसे मिक्स करें। यह हमारी देखिए दही वाली चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। इस चटनी को आप कबाब, पनीर टिक्का या इस तरह के किसी भी स्नैक के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगती है ये। तो यहाँ पर देखिए पालक का मिक्सर भी ठंडा हो चुका है। इसमें ऐड करेंगे उबले और मैश किए हुए आलू, साथ में डाल दीजिए कटा हुआ हरा धनिया, पुदीना, ग्रेट करके डालेंगे थोड़ा सा पनीर, साथ में ऐड करेंगे नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला और ये चाट मसाला। मिक्स कर लीजिए अच्छे से इन्हें। अब इसमें हम बाइंडिंग के लिए डालेंगे चावल का आटा और ये कॉर्नफ्लावर। आप इसकी जगह पर भुना हुआ बेसन, ब्रेड क्रम्स, मैदा या इस तरह की कोई सी भी चीज डाल सकते हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए हमारा हरा भरा कबाब का मिक्सर बनकर तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से छोटा पेड़ा जितना मिक्सर लेकर पहले इसे गोल करेंगे, फिर हल्का सा दबाकर इसे टिक्की की शेप दे देंगे। अब इसके ऊपर लगा दीजिए ये 1/2 काजू। ये हरा भरा कबाब का सिग्नेचर सिंबल होता है, इसे ज़रूर लगाएं तभी पता चलेगा कि ये हरा भरा कबाब है। तो इसी तरह से हमें सारे बनाकर तैयार करने हैं। तो ये देखिए मैंने सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब आप चाहो तो आप इन्हें डीप फ्राई, शैलो फ्राई या एयर फ्राई में भी फ्राई कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। मैं देखिए इन्हें यहाँ पर शैलो फ्राई कर रही हूँ। पैन में डाल दीजिए तेल, गर्म कर लेंगे इसे। अब इसमें एक एक करके कबाब डाल दीजिए। इन्हें हम यहाँ पर अलट पलट कर क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। हमारी देखिए सारी चीज़ें जो हैं वो पहले से ही पकी हैं, हमें बस इन्हें क्रिस्पी करना है। इन कबाब को हम यहाँ पर मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे। कबाब देखिए दोनों साइड से बढ़िया से सिक चुके हैं।
इन्हें निकालेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। हमारे देखिए ये हरा भरा कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। इन्हें दही वाली चटनी और प्याज के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए कीप द फ्लेम ऑन।